आज मैं आपके लिए सिंघाड़ा उबालने के लिए दो स्पेशल से मेथड लेके आई हूँ, जिस मेथड से अगर आप उबालेंगे ना तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये सिंघाड़े बनके तैयार होंगे। तो इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल से दो मेथड लाई हूँ, जिस मेथड से अगर आप सिंघाड़े को उबालेंगे ना तो बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में, बिल्कुल कड़े कड़े से जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपका ये सिंघाड़ा बनके तैयार होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहला मेथड क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक देके मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। तो पहला मेथड है ये, देखिए इस तरह से हम कुकर में उबालने जा रहे हैं। तो देखिए बिना पानी का हम किस तरह से कुकर में उबाल सकते हैं, वो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए पहले सिंघाड़े को अच्छे तरीके से धुल लीजिए, उसके बाद इसको उबालिए। और यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं, उसको हल्का सा गीला कर लीजिए, यानी उसे एक बार पानी में इसको धुल के पानी को इसको निचोड़ दीजिए। और फिर इस कपड़े में सारे सिंघाड़े को आप इस तरह से रख लीजिए, जैसे हम रख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें सिंघाड़े को रख के इसकी एक पोटली बना लेनी है और फिर हम कुकर में इसे सेट करेंगे। तो सारे सिंघाड़े को हम पहले इसमें रख लेते हैं। सिंघाड़े को बहुत अच्छी तरीके से धुल लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह लगे रहते हैं, तो वो सारी गंदगी साफ़ करने के बाद ही आप ये प्रोसेस करिएगा। तो एक कपड़े आप इस तरह से लीजिए जो कॉटन के हों, तो उसको हल्का सा भिगाना बहुत मस्त है, तो उसे हल्का सा भिगा लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, ये सिंघाड़ा बिल्कुल ड्राई, जब ये बॉयल होके अभी निकलेगा तो आप देखिएगा बिल्कुल ड्राई रहता है, बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनके तैयार होता है। तो इस तरह से एक पोटली बना लीजिए और फिर प्रेशर कुकर में इसे सेट कर दीजिए। उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए प्रेशर कुकर ले रहे हैं, इसमें इसे हम इस तरह से सेट कर दे रहे हैं और इसमें हल्का सा हाथ में पानी लेके हल्का सा फुहारा इसमें डाल देना है, यानी बहुत थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच पानी, बस हल्का सा उस जो हमने गांठ बांधा है उसके ऊपर हल्का सा लेके इस तरह से हम फुहारा इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा पानी स्प्रेड कर देना है, इस तरह से फैला देंगे। आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ किया है, पानी बिल्कुल अंदर नहीं डाला गया, बस कपड़े पे हल्का सा डाल दिया गया। अब इसको बंद कर देंगे और आँच को मीडियम टू हाई पे करके 3 सीटी यानी 3 वेसल आएगा, उसके बाद गैस को बंद कर देना है, जिसे गैस पे चढ़ा देते हैं और आँच को मीडियम टू हाई पे करके इसे 3 सीटी बस आने देंगे। तो अब इसे वेट करते हैं 3 सीटी, जब तक नहीं आ जाता तो अभी देखिए ये सीटी आ गई है। अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये प्रॉपरली ठंडा हो गया, हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, अभी आप देखिएगा कितना बढ़िया सा सिंघाड़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। ये गर्म है इसलिए इसको बहुत इत्मीनान से आराम से इसको निकालिए। तो ये देख रहे हैं अपने आप से सिंघाड़े ने पानी खुद ही छोड़ दिया है बॉयल होने के बाद। तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसे हम खोलते हैं, ये भी बहुत गर्म है। तो ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया, हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, देखिए कितना परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सा ये सिंघाड़ा हमारा उबल गया है। अभी हम आपको एक दिखा रहे हैं इस तरह से नाइफ से, देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल कुक हो गया है। एक हम कट करके आपको दिखाते हैं, आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर हम आपको इसको छील के दिखाएँगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया, इसे प्रॉपरली ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा हो जाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितने बढ़िया से इसके पीसेस निकलते हैं, बहुत ही बढ़िया से, बिल्कुल जैसे आप मार्केट में लेते हैं सिंघाड़े, एक भी सिंघाड़े टूटते नहीं हैं और बहुत परफेक्ट ये बिल्कुल छल छील के तैयार हो जाता है। तो इसे इस तरह से फैला दे रहे हैं जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब ये देखिए अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम आपको इसको छील के दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कितना बढ़िया सा तैयार हो गया है, बहुत ही परफेक्ट सिंघाड़ा बन के तैयार हो गया। इसे ग्रीन चटनी के साथ इसे इंजॉय करिए, बहुत ही बढ़िया सा, इस तरह से आप उबालेंगे तो एक भी सिंघाड़ा आपका पिघलेगा नहीं। नहीं तो ऐसे पानी डाल के जब उबालते हैं तो कई सिंघाड़े पिच पिच होने लगते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अब देखिए नंबर 2 मेथड, हम आपको इसको इंडक्शन पे उबाल के दिखाएंगे कि किस तरह से इंडक्शन पे भी हम इसे उबाल सकते हैं। तो सिंघाड़े को हमने अच्छे से धुल लिया है और इस पर हम एक इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई इस पर चढ़ा रहे हैं और इसको टेम्परेचर को हमने ऑन कर दिया है, बॉयल पर रख दिया है। अब इसमें हम देखिए बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा 4 से 5 चम्मच के करीब ये पानी है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और फिर इस सिंघाड़े को सब इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए सिंघाड़ा पानी बिल्कुल बेस पे है, सिंघाड़े में बिल्कुल नहीं डूबा है, इस तरह से इस पर डालेंगे जिसे नीचे से सिंघाड़ा लगने ना पाए। तो पानी बहुत ही कम इसमें यूज़ करना है, अगर आप कप से मेज़र करेंगे तो 1/4 कप ये सिर्फ पानी है।
पानी इसमें बहुत ही कम यूज़ करना है। तो देखिए सारे सिंघाड़ों को हमने रख दिया, आप देख रहे हैं इसमें स्टीम आने लगा है। तो अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और फिर इसमें टाइमिंग और टेम्परेचर को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे सिंघाड़े कढ़ाई में सेट हो गए हैं। आपने देखा बहुत ही कम पानी से ये उबलने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट सा बॉयल होता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप इसे इंडक्शन पे भी बना सकते हैं, इसलिए हम आपको दोनों मेथड बताए हैं। आप कुकर में भी इसे कुक कर सकते हैं इंडक्शन पे। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम टाइम सेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे 45 to 50 मिनट तक यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में बन रहा है तो कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर ये कुकर में बनाएंगे तो आप 5 मिनट के अंदर ही आपका ये बन जाएगा आराम से, क्योंकि आँच को मीडियम टू हाई पे करके आप इसमें वेसल दिलाएंगे, 3 सीटी बड़े आराम से आ जाती है, और फिर इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए टाइमिंग हो गया है, कंप्लीट हो गया। हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, चेक करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा कढ़ाई में बनाने के लिए, तो अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए प्रॉपरली ठंडा हो जाए, फिर हम आपको इसको छील के दिखाते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है। एक भी इसमें देखिए एक भी सिंघाड़े में पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये स्टीम से ही कुक हो जाता है। तो अभी ये देखिए हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया, आप देखिए कितना परफेक्ट ये हमारा बॉयल हुआ है। तो आप इस दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बॉयल कर सकते हैं, इसे कुकर में या कढ़ाई में आप जिसमें भी चाहिए इस तरह से बॉयल करिए। लेकिन पानी जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आप पानी को सेट करिएगा कढ़ाई में अगर बना रहे हैं। कुकर में आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत ईजिली ये बॉयल हो जाता है। इस मेथड से आप बनाइए, आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट के टेक्सचर में ये सिंघाड़ा बॉयल होता है और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी लगता है। एक भी सिंघाड़े में पानी नहीं जाएगा। तो जो सिंघाड़े होते हैं कभी उबालते हैं हम पानी में डाल के तो कई सिंघाड़े ख़राब हो जाते हैं, इसमें पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस मेथड से आप बनाएंगे तो सारे सिंघाड़े इस तरह से कड़े कड़े रहेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को दबा के उसमें ऑल पे जो ऑप्शन होता है उसे सेट कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ये देखिए हम सारे सिंघाड़े छील के अब आपको प्लेट में सर्व करके हम दिखाने जा रहे हैं, कितना परफेक्ट कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, और कितना सारे सिंघाड़े देखिए कितने अच्छे से छिल जा रहे हैं, बहुत स्मूथली ये छिल जाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्टीम करके आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये देखिए एक एक सिंघाड़े कितने बढ़िया हैं, कितने परफेक्ट हैं। तो इस तरह से आप गैस पे बनाइए या फिर इंडक्शन पे बनाइए, इस तरह से आप इसे इंजॉय करिए। ये देखिए कितना बढ़िया सिंघाड़े सारे तैयार हो गए। तो आपको दोनों मेथड पता चल गया, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, और आप इसे सिंघाड़े को ज़रूर उबालिए। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।